आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रूस के साथ तनाव और गहराया। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकियों से की देश छोड़ने की सलाह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुफ्त सिलेंडर और नई नौकरियों पर किया बड़ा ऐलान, कहा बेरोजगारों को देंगे 3,000 रुपए। संसदीय समिति का दावा, देश के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 में फोन नहीं, गृह मंत्रालय से की सिफारिश। यूपी से लेकर उत्तराखंड गोवा तक आज प्रचार का शोर, पीएम मोदी की अल्मोड़ा कासगंज में जनसभा, राहुल केजरीवाल गोवा में मांगेंगे वोट। यूपी में अगले 2 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड और छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर उतार दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राज्य में विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही जनसंपर्क भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के सिमकेनी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह बद्रीनाथ में सभा और हल्द्वानी में जनसंपर्क के बाद शाम को सहसपुर में सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव प्रचार भी अंतिम दौर में है। वहीं इसी क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए शहीद विपिन रावत की फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप लगाया। तो शहीद विपिन रावत की फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप भी लगा है। श्रीनगर से एक खबर सामने आई, जहां पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी, वोट की अपील करी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। जो आज की रैली में जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बननी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बननी है और उत्तराखंड का जो आगामी जो दशक है, जैसा मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, ये तय है, उत्तराखंड की जनता ने ठान ली। जब से मैंने नामांकन किया, तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 बार, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार 9,000 वोट से जीता था, इस बार मैं 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। अब ना लोगों में कन्फ्यूजन है, ना प्रेस में कन्फ्यूजन है, ना मतदाताओं में कन्फ्यूजन है। अब यह है कि हमको अपनी लीड बढ़ानी है और मैं कह सकता हूं कि आज जो मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है और पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जो जो आज बात कही है उससे उत्तराखंड। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां श्रीनगर विधानसभा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने भी जनता से अपने लिए वोट मांगा। वहीं इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि धन सिंह रावत ने धस्यारी की योजना मजाक बनाई। नरेंद्र नगर में कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत लाल लश्कर के साथ चुनाव प्रचार में पट्टी दोगी क्षेत्र में पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल रावत शिवपुरी नोडू काटल से होते हुए तिमली पहुंचे, जहां उपस्थित कई ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने गगनभेदी नारों के साथ फूल मालाओं सहित उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिमली डाडाधार में विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस भ्रमण कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह भंडारी और राजेंद्र भंडारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुद्दा सबसे पहले एक ही है कि जो यहाँ पे हमारे पूर्व में ये समझे उनको जो अभी विधायक हैं, वो इतने अहंकारी हो गए हैं, इतना उनको अभिमान हो गया कि वो अपने को जनप्रतिनिधि मानते ही नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के, अपने चंद जो उनके लोग हैं, जो चंद ठेकेदार हैं, उनके प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है।
आज जनता जो है स्वयं बदलाव के लिए सड़कों पे उतर आई है। ये चुनाव यहाँ नरेंद्र नगर में कोई ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही है। वो आपको जो है पूरी नरेंद्र नगर विधानसभा में दिख ही रहा है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सब दिख रहा है। चार जो मूलभूत सुविधा जनता चाहती है वो आज तक क्षेत्र में पहुंची नहीं है। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, पानी यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, कई जगह रास्ते नहीं है, और स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा पे इन्होंने बहुत वार किया है। नशा गांव गांव फैला चुके हैं, ये ठेका खोलने का इनका बस नशा फैलाने का है, और कमीशन खोरी और जिसमें निर्माण हो वो काम ये कर रहे हैं, व्यवस्था इनका कोई नहीं है। तो इस बार सीधा बदलाव के लिए सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 15 साल से एक ही विधायक इन्होंने सुबोध उनियाल जी को हटाना चाहते हैं। बच्चे महिला बुजुर्ग सब चाहते हैं कि इस बार ओम गोपाल जी आए और यहाँ पर विकास करें और परिवर्तन लाए। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर रोड भाई ओम गोपाल ने 2007 में दी थी जब वो विधायक बने थे। वो 2 किलोमीटर रोड अभी उससे आगे गांव में आधा किलोमीटर भी नहीं बढ़ी है और न कोई विकास कार्य। आज तक एक बोर्ड सुबोध उनियाल जी बता दें हमारे गांव में 10,000 का, तो हम तो इसलिए भारी खपा है हमारे यहाँ की जनता कि ऐसे विधायक का हमने क्या करना है जिसने 10 साल तक भेदभाव किया है। जो बोर्ड ओम गोपाल राव जी के लगे हुए हैं उनके अलावा एक बोर्ड भी आगे नहीं बना है कोई। हमारा ये गांव का विकास करे हम उसके साथ देंगे। अभी तो यहाँ पर पहले जो बीजेपी सरकार चल रही थी यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, बीजेपी सरकार चलते हुए ना यहाँ पर पानी का व्यवस्था हुआ, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था हुआ, ना स्कूल की व्यवस्था हुआ। जो जगह पे हम खड़े ऋषिकेश से शिवपुरी से 15 किलोमीटर यहाँ पर रोड फिनिश हुआ है, यहाँ से 150-300 मीटर जो रहा गाँव तक रोड है, यहाँ तो कोई रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। 5 साल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कब तक हमारे गाँव के बीच। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे थे, जहां मनीष सिसोदिया ने आप पार्टी के प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने विकास के नाम पर छला है, विकास का मॉडल बनाने के लिए आपको वोट दे, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। आज आप उत्तराखंड आए हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को? उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसको लोग इस रूप में देख रहे हैं कि यही पार्टी है जो हमारी एजुकेशन ठीक कर सकती है, हमें जॉब्स दे सकती है, केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल सरकार में रही और कुछ किया नहीं, चुप कर जाओ, और केवल मुख्यमंत्री बदलती रही। तीसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस उत्तराखंड में क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। उत्तराखंड के लोगों को आज बताया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गारंटी देना। कांग्रेस को वोट देने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, बीजेपी की सरकार बनती है। इसलिए कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, वो या तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या अंदर अंदर मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के वर्कर भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। कितनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी को? बहुमत में। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिनेश धनाई श्यामपुर और ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। दिनेश धनाई ने जनसैलाब को देखकर कहा कि जिस प्रत्याशी के साथ युवा शक्ति और मातृशक्ति खड़ी हो उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। प्रत्याशी कनक धनाई ने कहा कि वो राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि राजनीति को बदलने के लिए चुनावी मैदान में है। पिता पुत्र का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे एक राजनीतिक दल का और राजनीतिक दल के प्रत्याशी का संबंध है, और मैं यहाँ पर एक पिता की जिम्मेदारी की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आया हूँ, और एक अपना जो प्रत्याशी यहाँ पर काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो दिन रात, जो ठंड में, जो गर्मी में, धूप में, बरसात में, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, जो एम्स में जो घोटाले हुए हैं वो उनके लिए लड़ रहा है, मैं उस प्रत्याशी के लिए आया हूँ, संघर्षशील नौजवान के लिए आया हूँ जो एक विजन को लेकर जो जनता के बीच में जा रहा है। कि आपका जो समर्थन है ये मैं समझता हूँ कि हर माँ तक, हर घर तक, ये समर्थन हर घर तक है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रुड़की के मंगलौर पहुंचे। बता दें कि मंगलौर में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में वोट देने की जनता से अपील की।
बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित करने के लिए रुड़की पहुंची। रुड़की स्थित कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जन का हित आने वाली सरकार केवल बसपा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने सदैव दबे कुचले लोगों का शोषण करने का काम किया है, किसान मजदूरों का शोषण करने का काम किया है। जहां केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की दबंगई सामने आई है। बता दें कि सहसपुर के गांव आदुवाला के स्कूल देवभूमि शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल राजकुमार सैनी ने दबंगई दिखाई। दबंग प्रिंसिपल ने बच्चों और उनके परिजनों को टीसी खराब करने की धमकी दी। परिजनों का कहना है कि स्कूल फीस जमा न होने पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की धमकी दी जा रही है। स्कूल के प्रबंधक बच्चों को क्लासेस भी नहीं लेने दे रहे हैं और बता दें कि स्कूल फीस जमा ना होने पर एक ही घर की तीन बालिकाएं और एक बालक का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बच्चे देवभूमि स्कूल में पढ़ते थे और करीब करीब 15 साल हो गए इनको जाते हुए स्कूल में। अच्छा, तो अब 2 साल पहले ही इनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो अब वो कभी काम नहीं कर पाने के। अच्छा, और मम्मी इनकी बीमार रहती है, वो हॉस्पिटल में जा रखी है। अच्छा, तो स्कूल से ना ही तो मास्टर टीसी दे रहा है और ना ही इनको कुछ मतलब साइन वगैरह कुछ करके दे रहा है। जो इनको लड़कियों को स्कूल के लिए बोला गया, इनकी मम्मी गई स्कूल में कि हमारी लड़की की टीसी दे दो अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ना ही मैं इनको पढ़ाऊंगा ना ही इनकी टीसी दूंगा। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, उनके मम्मी ने हाथ पैर जोड़े उनके आगे, क्यों नहीं दे रहे टीसी, क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने बोला मैं कोई टीसी नहीं देता हूं और तुम तो यहां पे बात ही मत करो, तुम्हारे पति तो वैसे ही मतलब। जी मामला ये है, बच्चे देवभूमि स्कूल में पढ़ते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीडीहाट में भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के समर्थन में जुबानी चुनावी सभा को संबोधित किया और स्मृति ईरानी ने कुमाऊनी भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल के सामने डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और कांग्रेस पर करारा हमला किया। कोरोना काल में कहीं भी जनता के बीच कांग्रेसी नहीं दिखाई दिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा रिमोट कंट्रोल से चलती है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस